फिल्म की शुरुआत पृथ्वी पर बहुत अधिक लोगों के मुद्दे पर चर्चा से हुई। इसकी शुरुआत 1969 में हुई, जिस वर्ष चंद्रमा पर पहली बार लैंडिंग हुई थी। उस समय पृथ्वी की जनसंख्या 3.6 अरब थी। 2009 में हमारे जैसे ग्रहों को खोजने के लिए केपलर टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया था। 2153 तक जनसंख्या 6.76 बिलियन तक पहुंच गई थी। फिल्म एक अंतरिक्ष यान पर केंद्रित है जो पृथ्वी के समान संसाधनों वाले विभिन्न ग्रहों की खोज के लिए टेनिस ग्रह पर आया था। 2174 तक पृथ्वी पर उपलब्ध सभी पानी और संसाधनों का उपयोग किया जा चुका था। इससे एलिसियम अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हुआ। इसके बाद दृश्य बेहद दुखद स्थिति में बदल गया, जहां एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान के एक छोटे से कमरे में यातनाएं देते हुए दिखाया जा रहा था। किसी तरह वो अंतरिक्ष यान कक्ष की कठिनाइयों और चुनौतियों पर काबू पाने में कामयाब रहे। वो अंतरिक्ष यान की खोज करने और उसके चारों ओर घूमने लगा। उसे बाहर निकलने की तीव्र इच्छा थी। उसने लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से रोड से प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल रहा। अगले दृश्य में अंतरिक्ष यात्री दर्पण के सामने शेविंग कर रहा था, तभी अचानक बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण अंतरिक्ष यान झुकने लगा। एक और आदमी सामने आया जो दूसरा अंतरिक्ष यात्री निकला। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और खुद को अनजान जगह पर पाकर बेहद हैरान हुए। उन्होंने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया। अंतरिक्ष यात्रियों में से एक नियंत्रण कक्ष पर बैठा, जबकि दूसरे ने अंतरिक्ष यान के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया। रास्ते में वह एक सुरंग में फंस गया और उसने अपने चारों ओर निर्जीव शव देखे। उसने भागने की पूरी कोशिश की और अंततः सुरंग का दरवाजा खुलते ही निचले डिब्बे में गिर गया। वह इधर उधर घूमता रहा और अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जो अंतरिक्ष यान पर किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी का संकेत दे रही थीं। उसने जांच की और शोर का पीछा किया, जिससे वह एक लड़की तक पहुंच गया। उसने उसका पीछा किया, लेकिन लड़की ने उसे पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। फिर वह भाग गई और अंतरिक्ष के अंधेरे में गायब हो गई। अंतरिक्ष यात्री ने विभिन्न मृत शरीर देखे और भयभीत हो गया। रोशनी मंद और टिमटिमाती हुई अंतरिक्ष यात्री को कुछ बेहद अजीब सुनाई दिया। अंतरिक्ष यान के हर कोने में भय भर गया। आवाजें तेज और अधिक भयावह हो गईं। वो खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए अंधेरे में छिपने की जल्दी में था। अचानक उसके पास से एक बेहद डरावनी चीज गुजरी। यह एक भयानक प्राणी था जो कुछ खोजता हुआ प्रतीत हो रहा था। तीव्र भय के कारण अंतरिक्ष यात्री का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और बहुत पसीना आ रहा था। उसने अपनी सांस कसकर रोक रखी थी और उस भयावह प्राणी से बचने के लिए जितना संभव हो सके शांत रहने की कोशिश कर रहा था। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने की संभावना के बारे में निराशा व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बात करते देखा गया। वे बेहद निराश और हारा हुआ महसूस कर रहे थे। इसके बाद दृश्य अंतरिक्ष यात्रियों में से एक द्वारा अंतरिक्ष यान पर होने की अपनी यादों को साझा करने में परिवर्तित हो गया। उन्होंने बताया कि कैसे टेनिस ग्रह की तस्वीरें पृथ्वी के लोगों तक पहुंचाई गईं, जिससे उनमें आशा की भावना पैदा हुई। टेनिस को संसाधनों, पानी और प्रचुर जीवन से भरपूर एक वैकल्पिक ग्रह के रूप में चित्रित किया गया था, जो पृथ्वी के निवासियों के लिए एक आशाजनक संभावना प्रदान करता है। दृश्यों में हरी भरी वनस्पतियों और फलते फूलते पौधों के जीवन के लक्षण दिखाई दिए, जो मानव जाति के लिए अगले संभावित निवास स्थान के रूप में टेनिस के चित्रण में योगदान दे रहे हैं। आधिकारिक घोषणाओं ने टेनिस में बसने वालों की पहली लहर भेजने के इरादे की घोषणा की, जिससे इस आशाजनक उद्यम के बारे में प्रत्याशा बढ़ गई। अपने विचारों के बीच अंतरिक्ष यात्री ने अपनी पत्नी को प्यार से याद किया, साथ में बिताए अपने यादगार पलों को याद किया। एक अन्य अंतरिक्ष यात्री ने उन्हें अंतरिक्ष यान की खोज जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे आशा की किरण जगी कि वे इसकी सीमा के भीतर अपने प्रियजनों के निशान खोज सकते हैं। इस बीच नियंत्रण कक्ष में तैनात अंतरिक्ष यात्री को अपने साथी क्रू मेंबर के सदस्य को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए देखा गया। उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार का पता लगाने के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक द्वारों के माध्यम से नेविगेट करने का निर्देश दिया गया। जैसे ही वह आदमी फाटक के पास पहुंचा, उसे कुछ परेशान करने वाली चीज दिखी। उन्होंने यह महसूस करने की शिकायत की जैसे कि वह मतिभ्रम कर रहे थे, कई बेजान शरीरों से घिरे हुए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी नज़र छत से लटकते एक आदमी पर पड़ी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस आकृति की ओर निर्देशित की और अचानक उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं, जिससे दर्शकों के बीच डर और भय पैदा हो गया। वह चिल्लाने लगा, लेकिन अंतरिक्ष यात्री ने उसे चुप रहने का आग्रह करते हुए शांत किया।
व्यथित व्यक्ति ने आसपास खतरनाक प्राणियों की उपस्थिति का हवाला देते हुए जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाने की उत्सुकता व्यक्त की। अंतरिक्ष यात्री ने उन्मत्त आदमी से इन प्राणियों और उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत जल्दी में था। जैसे ही वे बाहर निकले, उनका सामना उन प्राणियों से हो गया। अंतरिक्ष यात्री का रोम रोम भय में डूबा हुआ था। उसने अंतरिक्ष यात्री के पीछे शरण ली और प्राणियों ने अपना हमला शुरू कर दिया। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्मत्त व्यक्ति रहस्यमय प्राणियों का शिकार बन गया। फिर प्राणियों की नज़र अंतरिक्ष यात्री पर पड़ी, लेकिन एक अन्य व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और उसे खतरे के चंगुल से बचाया। अपनी जान बचाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अंतरिक्ष यात्री अपने बचाने वाले से बातचीत करने लगा। उनकी चर्चा के बाद अंतरिक्ष यात्री ने उस व्यक्ति को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उसे वहीं रहने की सलाह दी, जबकि वह स्वयं रिएक्टर का पता लगाने और बिजली आपूर्ति प्रणाली को सुधारने के मिशन पर निकल पड़ा। अगले दृश्य में दो और व्यक्ति उभरे, एक लड़की और एक लड़का, जो एक तीखी बहस में उलझे हुए थे। अंतरिक्ष यात्री ने हस्तक्षेप किया और उनसे संयम बनाए रखने और लड़ाई से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने अंतरिक्ष यान की भयानक सीमाओं के भीतर अस्तित्व के लिए उनके संघर्ष के बीच एकता और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया। उनकी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष यान के भयावह अंधेरे में उनके जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की वकालत की। साथ में वे एक सुरक्षित मशीन गेट की ओर बढ़े, जहां लड़की ने स्कैनर के उद्घाटन तंत्र को चालू करने के लिए अपना हाथ स्कैनर पर रखा। अचानक रहस्यमय जीव प्रकट हुए, जिसे अंतरिक्ष यात्री और आदमी को खड़े होने और उन्हें रोकने के लिए प्रेरित किया। जबकि अन्य लोग युद्ध में लगे हुए थे, लड़की ने सफलतापूर्वक गेट को सक्रिय कर दिया, जिससे वे सभी सुरक्षित रूप से गुजरने में सक्षम हो गए। दरवाजा तेजी से उनके पीछे बंद हो गया, जिससे खतरनाक व्यक्ति का प्रवेश प्रभावी रूप से बंद हो गया। जैसे ही तीनों व्यक्तियों ने एक चमकदार रोशनी वाली लेबोरेटरी में कदम रखा, लड़की ने सुविधा के बारे में अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, अपने साथियों को विभिन्न प्रकार के भ्रूणों के बारे में बताया, जिन्हें अंतरिक्ष यान ले गया था, जिसका उद्देश्य टेनिस ग्रह पर अंतिम प्रसार था। इस बीच दृश्य बदल गया, जिससे नियंत्रण कक्ष पर तैनात कमांडर का पता चला, जिसका टीम के बाकी सदस्यों से संपर्क टूट गया था। उन्हें अंधेरे से बचने के लिए संघर्ष करते देखा गया। अचानक एक खद और चिंताजनक दृश्य सामने आया, जब एक और व्यक्ति प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से व्यथित था और कमांडर से सहायता की गुहार लगा रहा था। कमांडर स्तब्ध खड़ा था, अजनबी की भयावह स्थिति को देखकर सदमे और आतंक के मिश्रण से भरा हुआ था, भय से कांप रहा था। फिर ध्यान तीनों पर लौट आया, लड़की, लड़का और अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। अचानक अंतरिक्ष यात्री को अपनी पत्नी की एक संक्षिप्त लेकिन ज्वलंत याद आई। उसने लड़की पर भरोसा करते हुए अपना अंतर्ज्ञान व्यक्त किया कि उसकी पत्नी आसपास ही मौजूद हो सकती है। उन्होंने बताया कि कैसे सभी चालक दल के सदस्यों को अंतरिक्ष यान पर अपने जीवन साथी को साथ लाने की अनुमति दी गई, जिससे मौजूदा तनाव के बीच आशा की भावना पैदा हुई। हालांकि एक अशुभ और संदिग्ध आवाज सुनकर उनकी उम्मीदें तेजी से धराशायी हो गईं। दुर्भाग्य से एक भयानक आपदा उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि रहस्यमय प्राणियों की एक सेना ने भयंकर हमला शुरू कर दिया था। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जो खतरे और संभावना से भरा एक महत्वपूर्ण वक्त था। दृश्य इस प्रकार बदल गया कि कमांडर लगातार उस व्यक्ति से रहस्यमय प्राणियों के बारे में जानकारी प्रकट करने का आग्रह कर रहा था, फिर भी व्यक्ति ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच हल्की बहस छिड़ गई। रिएक्टर का पता लगाने के लिए अपनी खोज जारी रखते हुए ध्यान फिर से तिकड़ी पर लौट आया, जब उन्हें अंतरिक्ष यान के भीतर रहने वाले एक अन्य व्यक्ति का सामना करना पड़ा। लंबे समय से रहने वाले इस निवासी ने उनके लिए खाना बनाने की पेशकश की, जिससे समूह के भीतर राहत और आराम की भावना पैदा हुई। इस बीच लड़की ने उसके घावों की देखभाल की, जबकि अंतरिक्ष यात्री ने दीवारों पर हरे शैवाल जैसी संरचनाओं की उपस्थिति की जांच की और इसके असामान्य रूप से चिपकने वाले गुणों को देखा। मायावी प्राणियों के बारे में चर्चा में लगे हुए उन्होंने बाहरी वातावरण से अंतरिक्ष यान में घुसपैठ करने वाले प्राणियों की संभावना के बारे में अनुमान लगाया, या क्या वे मूल रूप से जहाज पर मौजूद थे। अजीब हरे पदार्थ के बारे में जानने को उत्सुक अंतरिक्ष यात्री ने और पूछताछ की। लड़की ने अनुमान लगाया कि यह एक एंजाइम हो सकता है, जो टेनिस के नवीन जीवमंडल में मानव अनुकूलन में सहायता करता है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि ये जीव संभावित रूप से मनुष्यों के म्यूटेशन रूप का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस रहस्य उद्घाटन से प्रेरित होकर अंतरिक्ष यात्री ने गहराई से जांच की, उनके म्यूटेशन के पीछे के कारणों पर सवाल उठाया
जिस पर लड़की ने खुद को ठोस स्पष्टीकरण देने में असमर्थ पाया। ये दृश्य समाप्त हुआ जिससे दर्शक रहस्यमय म्यूटेशन के इर्द गिर्द रहस्य, जिज्ञासा और वैज्ञानिक प्रवचन के आवरण में डूब गए। अगले दृश्य में ध्यान कमांडर और लड़के के बीच बातचीत पर केंद्रित हो गया, क्योंकि लड़के ने पांडोम की अवधारणा के बारे में पूछताछ की। कमांडर ने विस्तार से बताया, इसे घातक प्रारंभिक अभिव्यक्तियों के साथ एक कक्षीय सिंड्रोम के रूप में वर्णित किया, जो धीरे धीरे सिज़ोफ्रेनिया और हलुकिनेशन जैसे पहचानने योग्य लक्षणों में विकसित हुआ, जिससे स्थिति की गंभीरता और जटिलता पर प्रकाश डाला गया। कहानी फिर तिकड़ी पर लौट आई, जहां भोजन तैयार करने वाले व्यक्ति ने एलिसियम अंतरिक्ष यान के पीछे के मिशन और उद्देश्य को स्पष्ट किया। बातचीत के बीच उन्होंने एक कहानी सुनाई जो संभवतः उनका ध्यान आकर्षित करने और उनका ध्यान भटकाने के लिए गढ़ी गई थी। उनसे अनभिज्ञता जताते हुए उसने चालाकी से उन्हें रस्सी में फंसा लिया, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। स्थिति की तात्कालिकता को भांपते हुए अंतरिक्ष यात्री ने रिएक्टर को फिर से चालू करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए उस व्यक्ति से उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया। जहाज के वोल्टेज में गिरावट और क्षितिज पर आसन विनाश के साथ उन्होंने आसन खतरे और अपने मिशन की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आदमी ने नरमी बरती, उन्हें अपने बंधनों से मुक्त किया और उन्हें रिएक्टर को फिर से चालू करने के अपने महत्वपूर्ण कार्य के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिससे आसन आपदा को टाल दिया गया और अंतरिक्षयान की सीमा के भीतर उनके नाजुक अस्तित्व को संरक्षित किया गया। दृश्य कमांडर के पास स्थानांतरित हो गया, जो अंततः अंतरिक्ष यात्री के साथ फिर से जुड़ने में कामयाब रहा। उनका संचार लिंक बहाल हो गया। उनके स्थान का पता लगाने के लिए उत्सुक कमांडर ने पूछताछ की, जिससे अंतरिक्ष यात्री को पता चला कि वे वर्तमान में जहाज के सेक्टर 12 के भीतर स्थित थे। उन्होंने कमांडर को आगाह किया कि रिएक्टर पूरी तरह से बंद होने के कगार पर है और उनसे रिएक्टर के स्थान के रास्ते पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें परेशान करने वाले दृश्यों का सामना करना पड़ा, जिनमें परिवर्तित और रहस्यमय बच्चे चिल्ला रहे थे और दूर भाग रहे थे। उनकी यात्रा उन्हें कैप्टन के पुल तक ले गई, जहां एक विनाशकारी दृश्य उनका इंतजार कर रहा था, चालक दल के सदस्यों के परिवारों के निर्जीव शरीर। दुख से अभिभूत अंतरिक्ष यात्री ने भारी मन और अश्रुपूर्ण आँखों से अपनी पत्नी को याद किया, उसकी भावनाएं सताने से तीव्र हो गईं। जब कमांडर व्यस्त था तो लड़के ने सुझाव दिया कि रिएक्टर बंद होने से पहले उन्हें अंतरिक्षयान से बाहर छलांग लगा देनी चाहिए। कमांडर ने इस विचार को आत्मघाती प्रस्ताव मानते हुए खारिज कर दिया और इस सुझाव पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। दृश्य उस समय बदल गया जब अंतरिक्ष यात्री सावधानीपूर्वक कैप्टन के पुल पर नेविगेट कर रहा था। दर्शकों के लिए यह एक भयावह और दर्दनाक दृश्य था, क्योंकि कई रहस्यमय जीव नीचे छिपे हुए थे। वह न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचने के इरादे से सावधानी से आगे बढ़ा। अपने रास्ते में उन्हें इन रहस्यमय प्राणियों की एक बड़ी संख्या का सामना करना पड़ा, जिससे अस्तित्व के लिए एक हताश लड़ाई छिड़ गई। अराजकता के बीच कमांडर ने लड़के को कांच के दरवाजे के पीछे सुरक्षित रखने, उसे नुकसान से बचाने और जहाज के बाहर कूदने के किसी भी आवेगपूर्ण प्रयास को रोकने की सावधानी बरती। पूरा दल जीवित रहने के लिए गहन संघर्ष से जूझ रहा था, इन भयानक प्राणियों के निरंतर हमले के खिलाफ एक भयंकर संघर्ष में उलझा हुआ था। ये दृश्य कमांडर और लड़के के बीच टकराव को दर्शाता है, जो कहानी में कमांडर के खलनायक स्वभाव को उजागर करता है। उसने नियंत्रण की इच्छा और देवता बनने की गलत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर हत्याएं की। जब अंतरिक्ष यात्री और लड़की ने उनके स्थान के बारे में पूछताछ की, तो कमांडर ने अंतरिक्ष यान की ढाल को निष्क्रिय कर दिया, जिससे चौंकाने वाला सच सामने आया कि वे समुद्र के नीचे गहरे डूबे हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्तव में 900 साल पहले टेनिस पर उतरे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वे अंतरिक्ष यान के भीतर सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में थे। इस लंबी नींद के कारण मानव प्रजाति से रहस्यमय प्राणियों का विकास हुआ। जैसे ही सच्चाई उनके सामने आई, एक भयंकर टकराव शुरू हो गया। हताशा के क्षण में अंतरिक्ष यात्री ने कंप्यूटर पर प्रहार किया, जिससे अंतरिक्ष यान में दरारें दिखाई देने लगी। पानी बढ़ने लगा, जिससे घबराकर भागना पड़ा। अंतरिक्ष यात्री और लड़की भागने में सफल रहे, जबकि कमांडर ने पानी की गहराई में जाकर दम तोड़ दिया। वे समुद्र की सतह पर अन्य मनुष्यों के साथ उभरे, जो ठहराव में थे, और खुद को विकसित घातक प्रजातियों के चंगुल से मुक्त पाया। खतरा समाप्त होने के साथ उन्होंने आशा और शांतिपूर्ण अस्तित्व के वादे से भरे हुए तानिस ग्रह पर अपना नया जीवन अपनाया।